हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ DIY कॉलेज हेयर स्टाइल। कॉलेज में किस तरह से आप हेयर स्टाइल करें ओपन हेयर्स के साथ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी इस वीडियो के साथ। देखिए, आपने कॉलेज में जाना है और आप कॉलेज के लिए हेयर स्टाइल कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है। हमने, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे हेयर्स जो है फिलहाल ओपन है, और मैंने क्या करना है, यहाँ से आपने थोड़े से हेयर्स, मैंने अपने हेयर्स जो है साइड में लिए हुए हैं। आप चाहें तो इसे डैश छोड़ सकते हैं, थोड़े से हेयर्स अगर आप चाहते हैं तो अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो मत छोड़िए। आपने थोड़े से हेयर्स लेने हैं, बिल्कुल ज़रा से फ्रंट के, और ये वाले हेयर्स को लेफ़्ट कीजिए क्योंकि हम बाद में लेंगे। और इसे क्या है, थोड़े से हल्के से रोटेट करते हुए जाएंगे और इसमें अपने साथ साथ थोड़े हेयर्स को भी मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए हम इसे बैक में लेके जाएंगे, थोड़े से हेयर्स मिक्स करते रहें और बैक में ले जाएं, लाइक दिस, एंड मिक्स करें और बैक ले जाएं। तो हमारे पास ये फॉर्मेशन आई। यहाँ पे हमने इसमें हल्की सी वॉल्यूम क्रिएट कर लेनी है, बिल्कुल ज़रा सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी। और यहाँ पे अपने, यहाँ पे इन्हें टाई अप करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, इन्हें टाई अप। टाई अप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक क्लचर का, तो मेरे पास यहाँ पे क्लचर है तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। सेम हमने क्या करना है, नेक्स्ट इस साइड से भी कुछ हेयर्स लेने हैं, रोटेट करना है, थोड़े से हेयर्स इसमें मिक्स करने हैं, ऐसे इस तरह से मिक्स करते हुए हमने यहाँ से बैक, जहाँ पे हमारे पिछले वाले हेयर्स थे ना, यहीं पे लेके आना है इनको। थोड़े थोड़े से हेयर्स इसमें मिक्स करने हैं। मिक्स करके इन हेयर्स में भी हमने इसी तरह से वॉल्यूम निकालने हैं, यानी इसको पुल अप करना है। और यहाँ से भी थोड़ी सी वॉल्यूम ले लें अपने हेयर्स में, थोड़ा सा मैसीनेस अच्छा लगता है। और इनको अपने क्लचर के साथ ही लगा लें, क्लचर के साथ ही मैंने इन्हें होल्ड कर दिया। तो ये है हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल, इस तरह से आप कर सकते हैं कॉलेज के लिए। और बेस्ट ऑफ हेयर्स, आप पोनी करना चाहते हैं तो पोनी करें, ओपन छोड़ना चाहते हैं तो ओपन छोड़ें, एज योर विश। और क्या कर सकते हैं, हमने हेयर्स छोड़े थे ना, इसको हमने क्या करना है, इसको भी सेम ऐसे ही थोड़े थोड़े से हेयर्स लेके रोटेट करके ऊपर लेके जाएं, जहाँ पे आपका क्लचर है वहीं पर ही आपने इन्हें लेके जाना है। इनमें भी थोड़ी सी वॉल्यूम लें, इसको थोड़ा सा पुल अप, वॉल्यूम लेने का मतलब है कि आपने थोड़ा सा पुल अप करना है, उन्हें खींचना है, थोड़ा सा खींचें। और ये जो आपका क्लचर है, इस क्लचर में इन्हें लगा दें। सेम इस साइड भी ये वाले हेयर्स लेफ्ट कर दे, एज योर विश। थोड़े से हेयर्स लें, इन्हें फोल्ड करते हुए लेके जाएं, ठीक है। देखिए, अब फोल्ड करते हुए लेके जा रहे हैं जहाँ पे हमारा क्लचर है, और इसमें थोड़ी सी हल्की सी वॉल्यूम दें। और क्लचर में मिक्स कर दें। तो ये जो है हमारा सेकंड हेयर स्टाइल है। तो इस तरह से जो है आप जो है कॉलेज के लिए DIY हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। बैक में देखिए इस तरह से। अगर आप छोटी मोटी एक्सेसरी लगाना चाहते हैं तो एज यू विश आप लगा सकते हैं। अगर आप क्लचर की हेल्प से इसे अटैच नहीं करना चाहते, पिंस की हेल्प से अटैच करना चाहते हैं तो पिंस की हेल्प से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप जो है अपना हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है हमारा DIY कॉलेज हेयर स्टाइल। आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।